पिछले साल ट्रांसफॉर्मर्स मूवीज का तीसरा रिबूट राइस ऑफ द बीस्ट जिन लोगों ने देख रखा है या फिर जो ट्रांसफॉर्मर्स जैसे जॉइंट रोबोट के मूवीज से फैमिलियर है वो जानते हैं कि इस तरीके की मूवीज से हम लोगों को कितना एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए। एक अनबिलीवेबल फिक्शनल स्टोरी के साथ कुछ जॉइंट रोबोट्स आपस में लड़ रहे हैं जिसमें ऑब्वियसली इंसान चीटियों की तरह बकचोदी पहलता दिखेगा, जिसके साथ CGI और VFX के ओवर यूज के साथ एक लार्जर देन लाइफ टाइप मूवी देखने को मिलेगा, जिनको थिएटर्स के अंदर ओपन माइंड के साथ बिना किसी दिमाग लगाए हुए देखने में बहुत मजा आता है। बस यही मजा आपको थोड़ा सा अलग अंदाज में मिलेगा गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर मूवी में। बस यहाँ ट्रांसफॉर्मर्स या ऑटोबॉट्स की जगह मॉन्स्टर्स हैं, एक बहुत ही बड़ा बंदर और उससे भी हद से ज्यादा बड़ा एक छिपकली जो अपने अंदर रेडिएशन लेकर घूमता है। और एग्जैक्टली यहाँ पर भी इंसानों को कुछ खास भाव नहीं दिया जाता और इन मूवीज के कहानी में भी मार धाड़ के अलावा ज्यादा कुछ माइंड ब्लोइंग है नहीं। बस पृथ्वी के अंदर एक दुनिया हॉलो अर्थ नाम की एक जगह है जहाँ ये मॉन्स्टर्स या फिर टाइटन्स रहा करते थे और इस मूवी का कहानी एग्जैक्ट उसी रिलेटेड है और इस हॉलो अर्थ में भी गद्दी का लड़ाई चलता रहता है। बस इस मूवी के अंदर उसी गद्दी के ख्वाब में निकल पड़ता है हमारा कॉन्ग छोटू कॉन्ग के साथ और ये बंदर जिस गद्दी को पाके किंग कॉन्ग बनना चाहता है उस गद्दी में इस टाइम में बैठा एक लसन हड़ामी बंदर स्कार किंग और इस टाइम में उसका हथियार सीमू नाम की एक बड़ा टाइटन है जिसको वो कंट्रोल करता है अपने गले में बंधे हुए चेन से। बस ये सब देखकर हमारे कॉन्ग का पटके चाड़ हो गया। थोड़ा बहुत लड़ाई करने के बाद बंदा भाग गया छोटू कॉन्ग को लेकर, मगर भाग के वो जाएगा कहां? अपने पुराने दोस्त गॉडज़िला के पास, इसलिए मदद मांगने के लिए। पर पिछली बार की 2021 की गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग मूवी की दुश्मनी कॉन्ग को भारी पड़ गई। एज यूजुअल गॉडज़िला भी अपने ईगो पे आके उसे फिर से मारने के लिए टूट पड़ा। बेचारा हमारे कॉन्ग गया था मदद मांगने पर उल्टा उसे फिर से मार खाना पड़ रहा है। फिर इसके बाद इन केओस को देखकर हॉलो अर्थ के कुछ रक्षक यानी कि वहां के कुछ इंसान जो इन टाइटन्स को कंट्रोल करने की ताकत रखते हैं वो गॉडज़िला का एक पुराना जाति मॉर्थ्रा मॉन्स्टर को जगा देता है जो मॉन्स्टर बेसिकली गॉडज़िला का एक पुराना साथी था। बस वो कॉन्ग और गॉडज़िला के लड़ाई के बीच में आके हमारे गॉडज़िला को शांत कर देता है, उसे समझा देता है कि तुझे लड़ना नहीं है तुझे साथ देना है। इसलिए आप सबको बताइए कि हमारा गॉडज़िला बहुत ही समझदार टाइटन है, बंदा अपने दुश्मनी को कुर्बान कर देता है और सब कुछ भूल भाल के हमारे कॉन्ग के साथ देता है। और एग्जैक्ट उसी वक्त फील्ड में स्कार किंग अपना हथियार सीमू को लेकर एंट्री मारता है तो दूसरी तरफ गॉडज़िला और कॉन्ग के साथ छोटू कॉन्ग भी शामिल हो जाता है। बस अब युद्ध शुरू होता है, पटका पटकी मार धार, भाई पैसा वसूल मूवमेंट था। मतलब मार धार इस मूवी के अंदर इस हद तक चलता है कि ये ट्रांसफॉर्मर राइस ऑफ द बीस्ट मूवी के अंदर के पागलपन को भी बीट करके चला जाता है, जहां एज यूजुअल हमेशा से ही अच्छाई की जीत होता है स्कार किंग हार जाता है और स्कार किंग का हथियार सीमू आजाद हो जाता है जिसके बाद हमारा कॉन्ग हॉलोवर्ड की किंग कॉन्ग बन जाता है जिसका साथ दे देता है सीमू और छोटू कॉन्ग और गॉडज़िला भी एज यूजुअल अपने रास्ते निकल पड़ता है अपने बिस्तर पे सोने के लिए। बस पिक्चर खत्म हो गया। मतलब यार इससे ज्यादा ये लोग और क्या ही दिखाएंगे। इन मॉन्स्टर से हमारा इमोशनल कनेक्शन होने से रहा और ये मॉन्स्टर वर्ड्स के मेकर्स पटका पटकी से अलावा और कुछ दिखाने से रहा, इसलिए हमें ऐसी मूवीज बार बार रिपीटेटिव फील होने लगता है जैसे कि हमने ट्रांसफॉर्मर्स में फील किया था कि वही मॉन्स्टर्स आ रहे हैं लड़ रहे हैं पिक्चर खत्म। वैसे भी इससे ज्यादा हम और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉन्स्टर वर्ड्स वाले हर मूवी में इसी पैटर्न को फॉलो करके अपना घर चला रहे हैं दोस्त, और झूठ नहीं बोलूंगा घर चल भी अच्छा खासा रहा है। सिर्फ इंडिया के अंदर इस मूवी ने ऑल लैंग्वेजेस के अंदर 26 करोड़ छाप दिया है 2 दिनों के अंदर और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस की बात किया जाए तो सिर्फ 2 दिनों के अंदर $50 million ऑलरेडी हो चुका है और ऐसा प्रेडिक्ट भी किया जा रहा है कि वीकेंड खत्म होने तक ये $130 million की पिक्चर $75 million ऑलरेडी कमा लेगी सिर्फ 3 दिनों के अंदर। तो ऑब्वियस सी बात है मूवी को $500 million जाने में कोई भी नहीं रोक सकता और हु नोज ये मॉन्स्टर वर्ल्ड की सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली पिक्चर बन जाए तो ज्यादा हैरान मत होना। सो मासी मूवी है तो मासी मूड के साथ देख के मजे करो, जिसके बाद फ्रेंड्स लोगों के साथ छोटा मोटा डिस्कशन करो, बस भूल जा क्योंकि शायद नेक्स्ट गॉडज़िला की मूवी अगले साल की एंड तक आ सकती है। बेसिकली ये कोई मूवी रिव्यू तो नहीं था पर मैंने कोशिश किया कि इस तरीके की जायंट मॉन्स्टर्स मूवीज को हमें किस एंगल से जज करना चाहिए और हमें किस तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए कि हाँ हम ऐसी मूवीज देखने जा रहे हैं तो हमें इस मूवी के अंदर ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेगा जिनको हमें देखना है एंजॉय करना है भूल जाना है। समझे बात को? समझ गए तो अच्छी बात है, लाइक कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।